अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिब खान और हम इस वक्त मौजूद हैं बैरिया टाउन कराची में। बैरिया टाउन कराची से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और हमारे अकब में जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये समझें कि आप इसको बैरिया टाउन कराची का दिल भी कह सकते हैं। इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्यों ना पसंद किया जाए। इतनी खूबसूरत मस्जिद बैरिया टाउन कराची में और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। तो साकिब खान, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साकिब भाई, इस वक्त हम जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बता चुके हैं कि हम लोग बैरिया टाउन कराची की ऐसी लोकेशन की बात करने वाले हैं जो कि समझें कि मोस्ट फेवरेट लोकेशन जिसको कहा जाता है, और जहां पर बैरिया टाउन कराची में हॉलीडेज़ में या जो भी वीकेंड्स पे यहाँ पे कराची से लोग घूमने के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा इस स्पॉट पे वो लोग जाना पसंद करते हैं। इस जगह पे मेरे दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा साकिब, दो चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। बैरिया टाउन कराची में अगर आप फौरी तौर पे मूव होना चाहते हैं 2-बेड अपार्टमेंट में, ठीक है, उसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे अभी हम लोग जा रहे हैं, ये तो पहुंच के पता चलेगा कि वो लोकेशन कैसी है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि ये लोकेशन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, ये तो हम वहाँ जाकर भी बता देते हैं। लेकिन थोड़ा सा रेट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2-बेड अपार्टमेंट इस टाइम पे जो रेडी टू मूव बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी है उसका क्या रेट चल रहा है? तो उसकी असेसमेंट ये होगी हमारे पास 2-बेड अपार्टमेंट की 95 लाख रुपीज से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक हमें ये 2-बेड अपार्टमेंट इजीली मिल जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बुकिंग पे बात करें अच्छी लोकेशन पे, अच्छा बुकिंग पे एक मसला और भी रहता है, सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं डाउन पेमेंट देते हैं और उसके बाद फिर उसमें देर की जाती है बिल्डर्स की तरफ से। तो क्या हम अभी जिस लोकेशन पे जा रहे हैं और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो मतलब हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे तो पता है हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। तो फाइनली हम वो चीज़ जो दिखाना चाह रहे हैं जी। वीडियो में हमारे व्यूवर्स भी देख सकते हैं क्या लोकेशन है यार ये, इसके बारे में बात करें, कब यहाँ पे हमें नमाज पढ़ सकेंगे यहाँ पे, और हमारे व्यूवर्स जो यहाँ पे अपने लिए घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, कब यहाँ पे नमाज पढ़ सकेंगे? सर अगले साल इंशाल्लाह। अगले साल आपके पास ये मुसद्दका इत्तला है कि यहाँ पे नमाज पढ़ सकेंगे हम? थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो अभी तक इत्तलात हैं वो अगले साल की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे लैक्सॉन टावर्स की, जो कि बिल्कुल इसकी फेसिंग पे और हमारे कैमरामैन की बैक साइड पे, ये वो लोकेशन होगी जहाँ पे आप अपने लिए 1-बेड 2-बेड और 3-बेड का अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिसके टेरेस से आप ये वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी स्क्वायर फीट का आपका अपार्टमेंट हो, 650 हो, 950 हो, ठीक है, या 1304-1405 हो, कोई सा भी आपका अपार्टमेंट हो, आपका व्यू सेम ग्रैंड जामा मस्जिद का आएगा, ये व्यू आएगा बिल्कुल। तो ठीक है, हमने 1-बेड की प्राइजेस की बात की, 2-बेड की प्राइजेस की बात की, 3-बेड जो कि बहुत महंगा समझा जाता है बैरिया टाउन कराची में, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। देखें, 3-बेड अगर आप टावर्स की तरफ या रेडी की तरफ जाते हैं तो आपको जो है ना 2 करोड़ प्लस की जो है ना मैं आपको मिलता है वो, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल रहा है और 1.40 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको बुकिंग पे 3-बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे यार, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि यार ठीक है आप बुकिंग पे ये चीज़ें बुक तो कर लेते हैं, लेकिन डिलीवरी टाइम जो है ना वो बहुत लंबा होता है, फिर उसको बहुत लंबा खींचते हैं बिल्डर्स, तो इस शिकायत को, क्या ये शिकायत हमारे पास तो नहीं आएगी? सर इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि डिलीवर कर चुके हैं, कर नहीं चुके हैं मतलब ऑलमोस्ट कर चुके, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिस पर हमने वर्किंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम चल रहा है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुए हैं लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर अपने टाइम पे ही कंप्लीट हो जाएंगे वो। इसी तरह ये भी है, आपको भी पता है बैरिया के SOPs हैं, अगर टाइम पे इसको कंप्लीट ना करो तो हमारे ऊपर प्लेंटी लगती है, ठीक ठाक प्लेंटी होती है, तो कोशिश ये होती है कि टाइम पे इसको डिलीवर करें और इंशाल्लाह इसको भी अपने टाइम पे डिलीवर करेंगे। यार मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा ये लोकेशन कौन सी है और मेन गेट से कितना टाइम लगता है यहाँ पे। मेन गेट से तकरीबन हार्डली कोई, मेरा ख्याल है 8 से 10 मिनट लगते हैं इस लोकेशन पे पहुँचने में, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेशंस का काम हो चुका है, सॉइल टेस्टिंग का काम यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्या प्रोसेस होने जा रहा है इसके बारे में हमें बताएं। ये NOC का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया 2 प्लॉट्स हैं उसको अमलगमेट करके 2 प्लॉट्स पे हमारी कंस्ट्रक्शन जाएगी, ग्राउंड प्लस 10 का हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, तो अमलगमेट हुए हैं 2 प्लॉट्स मिलके। अच्छा साकिब, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन थोड़ा सा ये सामने अपार्टमेंट्स दिखाएं, डेस्कन टावर्स जो हैं, ठीक है, अब आप इस तरफ आ जाएं दोबारा।
ये जो हमारा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये सामने आपको डेस्कन टावर्स नज़र आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह बैरिया हाइट्स की अगर हम बात करें, तो बैरिया हाइट्स में 2-बेड अपार्टमेंट की, जिसका एरिया 1100 समथिंग स्क्वायर फीट एरिया बनता है, तो 2-बेड अपार्टमेंट अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आपको 1.5 करोड़ के करीब मिलता है। मिलता है ऐसा ही। इसकी क्या प्राइस होगी लमसम अगर हम बात करें तो? तकरीबन 135 से लेके 140 के दरमियान। 2-बेड अपार्टमेंट हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पे। मैं यही बात करने जा रहा हूँ, आपने तो मुझे 130 बोल के डरा ही दिया। मैं 3-बेड समझा था सर जी, 3-बेड समझा था मैंने। आप बगैर समझे बात कैसे कर रहे थे? नहीं देखें, डिस्कस कर रहे हैं ना। क्यों डिस्कस कर रहे थे आप? क्योंकि सॉरी आप मुझे चलें जी, यहाँ पे लाए इसलिए डिस्कस कर रहे थे। चलें जी, आज की वीडियो से इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दें। और एक और चीज़ साकिब भाई हमारे व्यूवर्स को बोलें, इन्होंने हमें जो है ना ये शिकायत कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, कि ये सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, शायद शेयर करना भी भूल गए हैं, और बेल आइकन को तो बिल्कुल प्रेस करना भूल गए हैं, तो थोड़ा सा ये आप बोलें हमारे व्यूवर्स को। देखें जी, मेहनत कर रहे हैं तो इसको आप सपोर्ट करें हमें पॉजिटिव वे में, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं, हर एक नई आने वाली वीडियोस आप तक बवक्त पहुंच सके। ओके चलें जी, इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और साकिब खान को इजाज़त दें। हाफिज़।